यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो वहीं एक बार फिर से हरियाणा की बीजेपी सरकार अपनों के सवालों का निशाना बनी। इस बार ये सवाल केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के थे और सवाल सीधे सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूछे गए। गुरुग्राम में सीएम और राव इंद्रजीत आमने सामने नजर आए। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी तक का आरोप लगा दिया। एक मंच से राव इंद्रजीत ने यह तक कह डाला कि राज्य सरकार ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है और जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं उनका श्रेय राज्य सरकार ले रही है। गुरुग्राम में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आवाज उठी। आवाज राव इंद्रजीत की थी। इस आवाज के जरिए राव इंद्रजीत की नाराजगी साफ जाहिर हुई और ये नाराजगी प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर से है। दरअसल गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह हीरो होंडा चौक पर अंडरपास के उद्घाटन पर पहुंचे थे। वहां तमाम प्रशासनिक अमला भी मौजूद था, जहां सीएम को भी पहुंचना था, लेकिन सीएम हीरो होंडा चौक न पहुंचकर सीधे सेक्टर 14 पत्रकार सम्मान समारोह में पहुंचे, जिसके चलते राव इंद्रजीत सिंह को करीब 20 मिनट सीएम का इंतजार करना पड़ा, जिस कारण राव इंद्रजीत की नाराजगी मीडिया के सामने आई। गुरुग्राम में ही केंद्र सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर समेत तमाम स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। बस इस मौके को देख राव इंद्रजीत सिंह ने भीषण गर्मी के बीच अपने अभिभाषण में एक के बाद एक आग का गोला सरकार पर फेंका। राव इंद्रजीत सिंह ने साफ तौर पर सरकार पर वायदा खिलाफी का भी आरोप लगाया। राव इंद्रजीत सिंह ने साफ किया कि केंद्र ने जो काम किए हैं उनका श्रेय भी पूरा हरियाणा सरकार दे रही है, जबकि सांसद को भी उनका श्रेय मिलना चाहिए। और आज इस तरह की सबके सामने देश की मंत्री भी हो तो पब्लिक में क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। आज मैं आया था केंद्र सरकार के विषय के अंदर बात करने के लिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि जो मेरे दिल के अंदर बात होती है वो मेरे को कहनी पड़ती है। आज मुझे उदासीनता से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे आपसे कोई खास उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन के अंदर आपकी सरकार अंग्रेज की मदद करेगी। और जो उद्घाटन होना कहीं और चौक का मैं कभी तो से कराया सीता ही बात में बताया है, वो आप बड़ी बात मैं तो होकर के आ गया, आपने टाइम दिया था मैं होकर के आ गया, आप नहीं पहुंचे मेरे को टेलीफोन कर देगा, आपके डीसी हैं, आपके एसपी हैं, कोई तो खबर करे कि हम वहां खड़े रहे, केंद्र सरकार का कार्यक्रम हो, केंद्र सरकार कैसा लग रहा हो और हम धूम दबा करके चले जाए, तो ये तो हम नहीं करेंगे। सांसद राव इंद्रजीत के नाराजगी का सिलसिला यही नहीं रुका। राव इंद्रजीत ने तो इतना तक कह डाला कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार का सांसदों को कोई सहयोग नहीं मिलेगा, सरकार सिर्फ अपने गुणगान में लगी है। अपनी नाराजगी में राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को भी लपेटे में लिया। स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, अब मैं तो मंत्रालय में भी था, अर्बन डेवलपमेंट के अंदर, मैंने चाहा कि पता चले कि देश के 100 शहर ले लिए गए हैं स्मार्ट बनाने के लिए, हरियाणा का भी नंबर आ गया, हमारे 2 ले लिए, एक फरीदाबाद ले लिया, एक जहां से मुख्यमंत्री जी चीफ मिनिस्टर साहब ने वो ले लिया। अब मैं कई बार सोचता हूं अगर चीफ मिनिस्टर सुभाष बराला होते हैं तो क्या ये फरीदाबाद कमरा हो जाता, कहीं का हल्का तो नहीं बन जाता स्मार्ट। और खुदा ना खास का अगर 56 साल की नहीं बन जाता तो गुड़गांव क्या बनता, तो नहीं बनता। सवाल इस बात का है कि वायदे पिछले दिनों से हो रहे हैं, हम कर रहे लोगों को गुड़गांव को स्मार्ट बना देंगे, स्मार्ट सिटी के बराबर बना देंगे, अगर बदमाश नहीं बना देंगे तो भैया सीएम साहब मैं तो आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैंने इलेक्शन इस साल के अंदर लड़ना है, इसके विषय के अंदर कुछ करके दिखा दो, स्मार्ट बना दो उसको हमारी सिटी को, ताकि मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल हो। सांसद राव इंद्रजीत सिंह की जगजाहिर नाराजगी को देखते हुए सीएम खट्टर ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और स्टेज से ही अपने आप को राव इंद्रजीत सिंह का कायल बता दिया। तो वही सुभाष बराला ने राव इंद्रजीत के बयानों को नाराजगी नहीं माना। एक तकलीफ जरूर हुई राव साहब को, लेकिन
कम्युनिकेशन था और ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। और ये अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति अपने मन की बात कह देता तो सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी और हम सब ने उस बात को उसी अंदाज के अंदर लिया है। बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम लोकसभा से 4 बार सांसद रह चुके हैं और दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता है। 4 साल पहले राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि उन्हें वहां सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये नाराजगी राव इंद्रजीत सिंह अपने मन में रखते हैं या ये नाराजगी आगे तक जाएगी। खबरें अभी तक के लिए गुरुग्राम से गुलशन गरोवर के साथ अनिल मोर की रिपोर्ट।